हेलो फ्रेंड्स, मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एंजाइम कैसे बनाना है वो आज पूरा प्रोसेस आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले एंजाइम बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए ये आज पहले जान लीजिए। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है, चाहिए एक बटल चाहिए, प्लास्टिक का बटल चाहिए, एयर टाइट जो बटल है वो चाहिए। और उसके साथ चाहिए फ्रेंड्स पानी चाहिए। पानी यहीं पर रेशियो 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर पानी में एक 100 ग्राम जगरी चाहिए, गुड़ चाहिए। और उसके साथ 300 ग्राम वेजिटेबल्स चाहिए। तो आपके पास जो चीज़ है वो चीज़ दे के आप लोग एंजाइम बना सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम जगरी लिया, गुड़ लिया, गुड़ यहीं पर हम 100 ग्राम गुड़ लिया। तो आपके पास जो गुड़ है, कोई गुड़ है, खराब गुड़ है, सड़ा हुआ गुड़ है, वो भी चलेगा। अच्छा गुड़ लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर हम ये लिया है फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज पील है ये हम लोग फेंक देते हैं। ये मत फेंकिए फ्रेंड्स, ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो यहीं पर हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया। और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये छोटा छोटा काट लीजिए, क्योंकि आसानी होगा बोतल में डालने के टाइम। बस यही चाहिए। और 1 लीटर पानी चाहिए। यहीं पर मेरा 300 ग्राम हम नाप के लिया, ये ऑरेंज पील है और 100 ग्राम गुड़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे डालना है तो देखिए। हम यहीं पर एक ऐसे प्लास्टिक का बोतल लिया। तो यहीं पर हम पहले ये गुड़ को हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ हम पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेंगे। तो पहले गुड़ को इसके भीतर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ इधर हम डाल दिया। और अभी ये जो ऑरेंज पील है ये भी हम डाल देंगे। तो रेशियो ऐसा रखिए फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे भी लंबा भी डाल सकते हैं, ऐसे करके इसका भीतर जो घुस जाएगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम पूरा ऐसे करके भीतर सब दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा हम ऑरेंज पील इसके भीतर ये दे दिया। और अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, हम 1 लीटर पानी ले लिया। तो इसमें हम डाल देंगे। तो उससे डालने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए हम छोटा जायगा में लेके इसमें डाल रहे हैं। तो पूरा 1 लीटर वाटर है। तो ऐसा करके रेशियो बनाइए। तो वेजिटेबल ज़्यादा है तो नाप लीजिए, 600 ग्राम है तो 2 लीटर वाटर दीजिए, 200 ग्राम गुड़ लीजिए, बस हो जाएगा। ऐसा करके आप लोग रेशियो ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एंजाइम है फ्रेंड्स प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ऐसे ऐसा ही लीजिए फ्रेंड्स। ढकना छोटा होगा तो अच्छा है, ज़्यादा बड़ा लेने से दिक्कत हो सकता है, जल्दी जल्दी वो गैस रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा करके अभी यहीं पर डेट लिख दीजिए। तो हम यहीं पर डेट लिख के रख देंगे। तो यहीं पर हम लिख देंगे 31/1, ऐसे करके डेट लिख के रख दीजिए। तो इससे क्या होगा तो आपका पता चल जाएगा ये कितना दिन हो जाएगा।
और डेट लिख के रख दीजिए, तो उससे आपका पता चल जाएगा ये कितना दिन का है। तो ये जब 3 मंथ हो जाएगा ये रेडी हो जाएगा, और पूरा 1 महीना इसका थोड़ा ऐसे करके 2 दिन बाद ऐसे थोड़ा ऐसे करके इसका बटल का ढकना खोल के थोड़ा गैस रिलीज कर दीजिए, पूरा मत खुलिए, थोड़ा सा ऐसे खुल के देखिएगा इसका गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, और फिर अच्छा से बंद करके रख दीजिए, और ऐसा जगह में रख दीजिए जहाँ पर ठंडा है कूल है वहीं पर रख दीजिए। और जब आपका सामने आएगा, जब आपका टाइम मिलेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर भी एक जार में बना के रख दिया, और ये देखिए ये हो गया 1 महीना हो गया। तो ये देखिए 1 महीना हम ऐसे इस देखिए गैस देखिए, तो ऐसे करके देखिए कैसे गैस इसका रिलीज हो गया। देखिए बस फिर इसका ऐसे बंद करके थोड़ा ऐसे घुमा के रख दीजिए। तो ये 1 महीना हो गया, 1 महीना जब हो जाएगा तब 10-15 दिन बाद ऐसे करके इसका गैस रिलीज कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद 1 महीना बाद इसमें गैस थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर 3 महीना जब हो जाएगा तब जब यूज कीजिएगा ये पूरा छान लीजिए, और जो वेस्ट जो फाइबर बच जाएगा वो भी आप लोग कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं। तो यूज करने से क्या होगा, आपका कंपोस्ट भी जल्दी रेडी हो जाएगा, और आपका कंपोस्ट भी बहुत और अच्छा हो जाएगा। और यूज के प्लांट में मिट्टी में यूज कर सकते हैं, प्लांट में भी यूज करते हैं कर सकते हैं, ऐसा कि मैं आप लोग घर में भी क्लीनिंग के काम में भी यूज कर सकते हैं। वाटर में एक रात भर ओवरनाइट रख दीजिए तो और अच्छा फायदा होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आप लोग जरूर ऐसा एंजाइम जरूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स और एक बात सुन लीजिए, जब आप दोबारा कुछ बनाइएगा एंजाइम बनाइएगा तब तो ये जो रेडी हुआ जो एंजाइम है उससे थोड़ा सा लेके पानी में डाल दीजिए, तो आपका जो एंजाइम जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा, वो 1 महीना में रेडी हो जाएगा, तो बहुत आपका फायदा मिलेगा, तो जरूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स ये और एक बात में ध्यान दीजिए, जो चीज़ आप लीजिएगा थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गैस फॉर्म होगा तो उसके लिए थोड़ा जगह होगा, तो जब गैस नहीं तो ये फट जाएगा, ज़्यादा गैस हो जाएगा तो फट जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा जगह खाली रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम खाली रख दिया, 3-4 इंची खाली रख दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा एंजाइम तो रेडी हो गया, लगभग 3 महीना हो गया और कुछ दिन बाकी है, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। और फ्रेंड्स आज फिर हम कैसे एंजाइम बनाना है, जो वेजिटेबल्स जो पील है छिलका है जो हम लोग फेंक देते हैं उससे बहुत अच्छा एंजाइम बनता है, और ये गाछ के लिए बहुत फायदा होता है। जो प्लांट हमारे एकदम जिसका ग्रोथ नहीं होता है तो उसके लिए ये एंजाइम बहुत अच्छा होता है, और खूब कम क्वांटिटी में ये यूज होता है। तो एक बार आप बना लीजिए तो बहुत दिन चलता है, 3 महीना के बाद यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml जस्ट एक चम्मच से ये हो जाता है, और बहुत फायदा है। और प्लांट में इतना जल्दी ग्रोथ आ जाता है, जैसे हमारे शरीर में जब कोई विटामिन का कमी होता है तो हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, तो उससे क्या होता है हम लोग का जल्दी जल्दी जो कुछ डैमेज होता है शरीर में सब कुछ, तो हमारा शरीर वीक लगता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा जो 24 तारीख में फेब्रुअरी का ये हम बनाया एंजाइम, ये जो है जो ऑरेंज का छिलका से, तो ये और कुछ दिन बाकी है 3 महीना होते में, और 14 डेज बाकी है, 10 डेज बाकी है, तो 14 डेज अभी लगभग, तो उस देखिए अभी ये पूरा ये हो गया,
तो अभी देखिए थोड़ा इसमें गैस है कि नहीं, देखिए थोड़ा थोड़ा अभी है, देखिए थोड़ा सा गैस हुआ। अब ये पूरा रेडी हो गया और जब थोड़ा सा खुलिएगा तो बहुत अच्छा इससे आटा खुशबू आता है। और ये तो यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट के लिए अच्छा है। आपका घर में जो वेजिटेबल्स आजकल आता है बाजार से, जो पेस्टिसाइड्स होता है, वो भी पानी में भिगो के उसमें एक दो चम्मच फेंक दे दीजिए, घुल के दे दीजिए, तो आपका जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स उसमें जो पेस्टिसाइड्स है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो और भी एक हम बोतल में बनाया, तो अभी देखिए ये पूरा अभी ये एक महीना हुआ और अभी देखिए इसमें गैस, देखिए देखिए इसे जो गैस हुआ ऐसे। पूरा मत खुलिए फ्रेंड्स, पूरा खुलिएगा तो इसमें जो बैक्टीरिया हवा में घुस जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा मत खुलिए, थोड़ा सा खोलिए और खोल के दे दीजिए। और देखिए कैसा ये हो रहा है, देखिए जब ये बंद हो जाएगा फिर अच्छा से टाइट करके बंद करके रख दीजिए, तो ये रेडी हो जाएगा। और आज हम बनाएंगे, देखिए आज हम बनाएंगे ये सब्जी का छिलका है, वेजिटेबल छिलका है, फ्रूट छिलका है। ये देखिए बनाना पील है, ये देखिए वाटरमेलन का छिलका है, ये पोटैटो छिलका है, जो छिलका है आपका घर में होता है वो सब फ्रीज में दो तीन, जब आपका रेडी हो जाएगा 200-400 ग्राम जितना होगा तो आप लोग बना सकते हैं इतना क्वांटिटी में। तो 300 ग्राम जो वेजिटेबल छिलका लीजिएगा तो 100 ग्राम गुड़ लगेगा, तो ऐसा क्वांटिटी आप लोग आपका जार जितना बड़ा होगा तो आप ज़्यादा कम ये कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम ये 100 ग्राम गुड़ लिया और ये 300 ग्राम छिलका है, तो इसमें पानी दीजिएगा फ्रेंड्स लगभग 1.5 लीटर पानी दे दीजिए। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो जार है ये 2 लीटर का जार है, तो इसमें हम लगभग 80% पानी डाल के देंगे। तो अभी हम इसमें गुड़ और ये छिलका भर देंगे, तो ऐसा छोटा मुंह वाला वही जार लीजिए तो आपका फायदा होगा, नहीं तो गैस। तो पहले एक गुड़ छोटा छोटा टुकड़ा में काट लीजिए फ्रेंड्स, काट के इसमें दे दीजिए, देखिए ऐसा करके दे दीजिए छोटा छोटा टुकड़ा। तो ऐसे भी पानी में कुछ टाइम रख दीजिए, जब घुल जाएगा तब इसमें डाल दीजिए। तो देखिए इसमें जो गुड़ है एक गुड़ इसमें दे दीजिए, तो और छिलका भी ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, आसानी से आप लोग इसमें दे सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं ऐसा करके, जितना छोटा कीजिएगा उतना ही अच्छा है। तो और एक बात है फ्रेंड, जब आपका एंजाइम एक एंजाइम रेडी हो जाएगा, टमाटर का छिलका है जो ये है, तो आप सड़ा हुआ मत दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे फ्रीज में रख दीजिए ठीक रहेगा। और ज़्यादा मात्रा में प्लांट में मत दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, तो जो ऑरेंज का छिलका का जो एंजाइम है वो प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी भाग जाएगा, फिर भी उसका मिट्टी में दे दीजिएगा तो उसका तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और जब आप गार्डन में वो ऑरेंज का एंजाइम स्प्रे कीजिएगा, गार्डन से एक बहुत अच्छा खुशबू आएगा। तो देखिए हम पूरा भर लिया, अभी इसमें हम पानी डालेंगे, पानी पूरा इतना तक हम भरेंगे जैसे इसमें गैस भरने का जगह मिले, देखिए इतना तक रखेंगे। ये भी अभी हम भर लिया, तो ऐसा करके पानी भर के रख देंगे एक महीना पूरा, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम खोलेंगे।
और उसके बाद जब एक महीना हो जाएगा, इसका गैस कम हो जाएगा, तब पाँच छः दिन बाद बाद खुलिएगा। फिर एक महीना दो महीना बाद इसका गैस एकदम 10-15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके खुलिएगा। और जब रेडी हो जाएगा ये छान लीजिए, छान के अलग जगह में रख दीजिए।